Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about cold chain. In my previous video, I have explained about the immunization program. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. So guys, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि cold chain होता क्या है. The cold chain is the system of transporting and storing vaccines at recommended temperature from the point of manufacture to the point of use. So cold chain एक system होता है जिसके अंदर जो vaccines होती है उसको store करते हैं और ये transport करता है vaccine को, ठीक है. एक appropriate temperature होता है उस पर ये store करता है vaccine को और transport करवाता है, ठीक है. From the point of manufacture to the point of use. So जो cold chain होता है ये manufacture के point से लेकर जहाँ पर use करवाना होता है vaccine को वहाँ तक ये vaccine को store करवाता है, ठीक है. So now we will study about cold chain equipments. So cold chain के कुछ equipments होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So first equipment is walk-in coolers. ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट स्टेट एंड रीजनल लेवल्स. सो ये लार्ज अमाउंट में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है वैक्सीन को. ये स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर वैक्सीन को स्टोर करता है. सेकंड पॉइंट, मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. सो ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. सो जो वॉक इन कूलर इक्विपमेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है. ये होते हैं बल्क अमाउंट में स्टोर करते हैं वैक्सीन को, ठीक है. और टेम्परेचर मेनली ये मेंटेन करते हैं 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. ये होते हैं वॉक इन कूलर. सो सेकंड कोल्ड चेन इक्विपमेंट इज डीप फ्रीजर. इट हैज़ टॉप ओपनिंग लिड. सो इसके ऊपर एक लिड होता है, ढक्कन होता है, ठीक है, इसको ओपन करने के लिए. Which maintain temperature between -15 to -25 degree Celsius. ये temperature को maintain करता है -15 to -25 degree Celsius पर. Next point, utilized for storing OPV. So ये use होता है OPV vaccine को store करने के लिए. OPV means oral polio vaccine होती है, उसको ये store करता है. सो जो डीप फ्रीज़र इक्विपमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं, इनकी टॉप लिड होती है जैसा मैंने बताया था पहले, ठीक है. ये होती है इनकी टॉप लिड एंड ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं -15 to -25 डिग्री सेल्सियस पर. मेनली ये ओपीवी वैक्सीन होती है, उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं. सो जो डीप फ्रीज़र्स होते हैं मेनली ये डिस्ट्रिक्ट एंड PHC लेवल्स पर यूज़ होते हैं, ठीक है. एंड फोर्स फ्रीजिंग आइस पैक्स एट PHC लेवल. और ये यूज़ होते हैं आइस पैक की प्रिपरेशंस के लिए PHC लेवल पर मेनली. तो थर्ड इक्विपमेंट कौन सा होता है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर. दीज आर टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर्स. सो ये ऊपर से खुलते हैं, ठीक है. ये वाला जो इक्विपमेंट्स होता है टॉप से ये खुलता है. Because they can hold cold air better than front open refrigerator. Because ये hold कर पाते हैं cold air को ज़्यादा अच्छी तरीके से as compared to जो open refrigerator होते हैं उससे compare करें तो इनको जो ice lined refrigerator होते हैं ये cold air को ज़्यादा अच्छे से hold कर पाते हैं. It has a bottom and top section. So जो ice lined refrigerator equipment होता है इसके इसमें एक तो बॉटम सेक्शन होता है और एक टॉप सेक्शन होता है. सो दिस इज़ आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है. इसमें एक टॉप सेक्शन होता है और एक बॉटम सेक्शन होता है. जो टॉप होता है ये सेक्शन ए होता है और जो बॉटम होता है ये सेक्शन बी होता है. सो जो बॉटम या जो सेक्शन ए होता है ये कूलेस्ट होता है सबसे ज़्यादा. टॉप और सेक्शन बी मेंटेन टेम्परेचर बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. सो जो ये बॉटम वाला होता है ये तो कूलेस्ट होता है
और जो टॉप होता है ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर। ऑल वैक्सीन्स आर केप्ट इन द बास्केट इनसाइड द आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। सो जो ये वाला जो इक्विपमेंट होता है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर बास्केट होती है एक, ठीक है। सो इसके अंदर वैक्सीन को रखा जाता है। फिर नेक्स्ट, ओपीवी एंड मेजल्स कैन बी केप्ट इन द बॉटम ऑफ बास्केट वाइल बीसीजी डीपीटी डीटी एंड टीटी आर केप्ट इन द अपर पार्ट ऑफ द बास्केट। सो जो ओपीवी वैक्सीन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन एंड मेजल्स की जो वैक्सीन होती है उनको तो रखा जाता है जो बॉटम वाला पार्ट होता है वहाँ पर, बॉटम होता है जो बास्केट का वहाँ पर रखा जाता है। और जो बीसीजी वैक्सीन हो गई, डीपीटी हो गई, डीटी वैक्सीन हो गई, टीटी की वैक्सीन हो गई, इनको जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर रखा जाता है बास्केट के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। नाउ हम पढ़ेंगे कोल्ड बॉक्सेस के बारे में। ये नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है कोल्ड चेन का। सो दिस इज़ कोल्ड बॉक्सेस, ठीक है, ये होता है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ये अनदर इक्विपमेंट होता है। दीज इंसुलेटेड बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एंड टू स्टोर वैक्सीन एंड आइस पैक्स इन एमरजेंसी। सो जो कोल्ड बॉक्सेस होते हैं ये यूज़ होते हैं वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और ये स्टोर करते हैं वैक्सीन को और आइस पैक्स को, जो मेनली जो एमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें यूज़ होते हैं ज़्यादातर कोल्ड बॉक्सेस। बिफोर प्लेसिंग वैक्सीन इन द कोल्ड बॉक्स कंडीशनड आइस पैक शुड बी प्लेस्ड एट बॉटम एंड साइड ऑफ द कोल्ड बॉक्स। सो जो कोल्ड बॉक्स होता है इसके अंदर जो आइस पैक होती है ये तो बॉटम पर रखी जाती है और जो साइड होते हैं वहाँ पर रखी जाती है। सो इसके अंदर एक तो बॉटम पर रखी जाएंगी आइस पैक्स और साइड्स में। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्सीन शुड बी प्लेस्ड इन अ कार्टून और पॉलीथीन बैग एंड देन प्लेस्ड इनसाइड द कोल्ड बॉक्स। सो जो वैक्सीन होती हैं ये सबसे पहले जो पॉलीथीन बैग होता है उसके अंदर रखी जाती है, फिर इस कोल्ड बॉक्स होता है उसके अंदर फिर रखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्स ऑफ डीपीटी डीटी टीटी वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड नॉट बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आइस पैक्स। सो जो ये वैक्सीन जो वाइल्स होती हैं वैक्सीन की, डीपीटी की वाइल हो गई और डीटी वैक्सीन हो गई उसकी वाइल हो गई, टीटी और हेपेटाइटिस बी होता है, इनकी जो वाइल्स होती है इनको कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखना चाहिए आइस पैक्स के। दीज वैक्सीन्स शुड बी सराउंडेड बाई ओ पी वी बीसीजी मेजल्स वैक्सीन। सो इन वैक्सीन्स को हमेशा जो ओपीवी वैक्सीन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन और जो मेजल्स वैक्सीन होती है इसके आसपास रखना चाहिए। सो दैट्स अबाउट द कोल्ड बॉक्सेस। अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन कैरियर्स के बारे में। सो जो वैक्सीन कैरियर होते हैं वो ऐसे होते हैं, used for carrying small quantities of vaccine to the sub center or session site. ठीक है, ये small quantity में vaccines को carry करते हैं, mainly 16 to 20 vials होती हैं उनको carry करते हैं ये sub center तक और जो session site होती हैं वहाँ पर। Next point, 4 ice packs are laid in the vaccine carrier. ठीक है, जो 4 ice packs रखी जाती हैं वैक्सीन कैरियर के अंदर। सो जो ये वैक्सीन कैरियर होता है इसके अंदर मेनली जो 4 आइस पैक्स होती हैं वो रखी जाती हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो देन डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and also hit the bell icon to get notification of my next video.